नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आपके साथ। तो बेसिकली मैं कैब में आ रहा था, आई थॉट कि मैं बात करूं कैब वाले से कि उनकी लाइफ में टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रही है। और फिर मुझको ऐसा कुछ समझ में आया कि यार टेक्नोलॉजी का जहां पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है वहां पे एक नेगेटिव इफेक्ट भी निकल के आता है। मतलब कि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को एज अ सर्विस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैब लें, ओला है, उबर है और भी टैक्सी सर्विस है, तो वहाँ पे ये इतनी बेहतरीन सर्विस है कि आपको घर पे आती है कैब पिक करने और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे कैब आपको ले जाकर ड्रॉप करती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसका डिसएडवांटेज उठाते हैं। तो मुझे पता चला यहाँ पे कि बहुत सारे लोग उनको अलग अलग ट्रैवल देते हैं, जैसे कि लोकेशन सर्विस। तो आप अगर किसी कैब वाले को अंदर बुलाते हो तो यार वो आप देखो, क्योंकि बेसिकली वहाँ क्या होता है यार कि उसने जो गाड़ी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो उसकी बहुत मेहनत के पैसे हैं, और वो दिन भर कैब चला रहा है अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए वो भी ऑन कर रहा है, आप भी ऑन कर रहे हो, तो आप किसी के पेट पर लात मत मारो, क्योंकि अगर वो अपनी गाड़ी को किसी ऐसी लोकेशन पर लेकर जाता है तो वहाँ पे क्या उसकी गाड़ी का बहुत नुकसान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और सिंपल एक वीडियो है जो एक स्टोरी है एक बंदे की जो कैब चलाता है, और ऐसे बहुत सारे भाई लोगों की, और इसमें कोई भी ऑफेंसिव होने वाली बात नहीं, एक सिंपल सा मैसेज है, आप समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी मुझे। तो आइए फिर देखते हैं अपनी वीडियो। देखिएगा पहले आप ये बताओ, दिल्ली और बॉम्बे में आपको कौन सी जगह ज्यादा पसंद आई? दिल्ली में मेरे को चांदनी वाली पसंद। चांदनी वाली नहीं, वो चांदनी चौक। चांदनी चौक, हाँ ठीक। चांदनी चौक में सिर्फ 6 महीना। तो भाई ये पहले मैं बता दूं, ये अपने साइड के भाई है, मैं इनसे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि इनको दिल्ली और बॉम्बे क्या पसंद है। इन्होंने अभी बोला कि दिल्ली पसंद नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं। क्या करते थे वहाँ लोग? वहाँ कट मारते थे। अच्छा। टैक्सी वाले, ठीक है, वहाँ पे मतलब बहुत सारा वो था। अरे आप बोलिए, खुल के बोलिए, अभी बोल रहे थे ना वो क्या दिल्ली वाले। भाई सुनो, तुम्हारी वजह से गाली सुन रही है, गाली बज रही है दिल्ली वालों को, तो भाई को परेशान मत करो, आप अपने साइड के भाई है। तो बॉम्बे में क्या अच्छा है? बहुत अच्छा लगता है सर, बोलता हूँ शांति। शांति है, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई कुछ नहीं यार। लेकिन बॉम्बे में मुझे ऐसा लगता है ना कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इधर। है? हाँ ट्रैफिक है, लेकिन मतलब मैं कहीं जाता हूँ ना मैं फंसता हूँ 2-2 घंटा 3-3 घंटा, और मुंबई निकल गया ना अगर मैं तो आप सोचो 4-5 घंटे तो गए होंगे। ट्रैफिक तो है, ये तो है, परफेक्ट है, ट्रैफिक मिलता है, ठीक है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं आप बताइए। फिर भी भाई जान, दिल्ली में जान चली जाती है, हाँ यहाँ कम से कम जान तो सलामत है, क्यों जान सलामत है इसके। लेकिन यार ये वो मैडम वाली बात बहुत सही बोली थी, मैडम क्या करती है आपके कैब में आती है? जो आप बोले ना मैडम जैसे ही आती है कैब में, हाँ। क्या होता है, फ्रैक्चर चालू हो जाता है। वो लोग बोलते हैं भैया हमको लिफ्ट तक छोड़ो। लिफ्ट मतलब वो जो मतलब ऊपर ले जाकर फ्लोर पे छोड़ो। हाँ, ये और गाड़ी पे जैसे बैठेंगे ना, हाँ, उनको बोलेंगे भैया हमको वो है पैर में फ्रैक्चर पड़ा है। अच्छा, डिस्टर्ब है मेरा पैर थोड़ा, अंदर छोड़ दो। अच्छा, तो यार एक काम करो ना, आप गाड़ी घुसा दिया करो अंदर, देखी जाएगी बात, ओला वाले देखेंगे, उबर वाले देखेंगे, जिसको देखेंगे। ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं, क्या बोलता हूँ, जहाँ नहीं जाएगी ना गाड़ी वहाँ बोलेंगे भैया यहाँ पे गाड़ी आती है। अच्छा। आप लेके आओ यहाँ पे भाई, यहाँ से यू टर्न लेना है, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे भैया लेके आओ गाड़ी आती है, और जाओ वहाँ पे बहन तो गाड़ी कहीं कहीं मतलब कि ठुकी जाती है, कैसा भी करके गाड़ी ठुक जाती है। अरे ये अपना तुर्बे है ना, तुर्बे में मैं कैब में बैठा था एक दिन, तो शेयर में ही दाम है, एक बुकिंग आई, तुर्बे गए होगे ना आप अंदर, तो बंदा बोलता है कि भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ठीक है, अंदर गए। अब मैं हो रहा था लेट, मैंने कहा चलो मेन रास्ता होगा निकल जाएंगे जल्दी, वो भाई कैब वाले को अंदर बुलाता गया बुलाता गया, अंदर ना सामने नाला है, नाला है उसके ऊपर ना 2 पटरी से रखी हुई है, रखी है, तो क्या बोलता है बंदा, क्यों 2 पटरी है ना उस पर गाड़ी चढ़ा के नाला पार कर दो। देख लो भैया, बोलता भैया इधर से सारी गाड़ी आती है आप आ जाओ, बताओ उसके बाद वो बोला भाई नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, तो बाहर आया हूँ, बाहर आके झगड़ा कर रहा ऐसे लोग हैं, वही बताइए ना, वही मैं बता रहा हूँ। तो भाई ऐसे काम मत करो यार, जो भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भाई लोगों को बहुत परेशानी होती, क्यों? हाँ सर, ये क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, देखिए सब देखेंगे आपको यहाँ, क्या कहना चाहते हैं आपकी जो अपील है ना वो क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट, कि आपको लोग कैसे परेशान करते हैं वो बता दीजिए। परेशानी वही है जो आप बता रहे थे ना, जहाँ पे नहीं जाती है गाड़ियाँ वहाँ पे बोलते हैं भैया कि यहाँ पे ले लो, ठीक है, अंदर घुसा दो, गाड़ी आती है। अच्छा गाड़ी आती है, ठीक है, लिफ्ट तक छोड़ दो हमको,
मैडम लोगों के लिए। हाँ मैडम लोग, मैडम लोग खास बात, खास चीज है ये, इसका ध्यान रखो, गाड़ी लिफ्ट में नहीं जाती है, नीचे तक ही जाती है। आप लिफ्ट में ले जाओगी तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज ले लो आप, बोलो ऊपर लेके जाऊंगा मैं, पैसा ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, बस वहाँ मैडम की चार्ज जाएगी। कंप्लेन कर देते हैं ना हमारा कंपनी में, कंप्लेन भी करते हैं, सीधा कंप्लेन कर देते हैं। और वाला हम लोगों का एक मिनट नहीं सुने गया, आप अभी देखिए सही काम कर रहा हूँ, ठीक है आपके साथ ना, बिल्कुल आप ना मेरे साथ भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं नहीं बात बता रहे आपको, आप ट्राई जैसे आपको करना है, ठीक है, ठीक है, ट्राई करना है आपको, तो आप एक वहाँ पे गलती डाल दीजिए मेरा नाम पे। अच्छा देखिए मेरा आ जाता है, नहीं 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 कंप्लेन मतलब एक बता रहा हूँ, मैं समझ रहा, ठीक है, लेकिन हम लोगों का ओला वाला नहीं सुनता है। अच्छा गलती में आपका जो स्टार होता है, ट्रिप खत्म होने के बाद वो बहुत मैटर करता है। ये चीज पता क्या है आपको, मुझे ऐसा लगता है ना, ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं है, आप ये एकदम राइट बता रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं उनके लिए, उनको लगता है कि वो स्टार है, ऐसे ही है, कुछ भी दबा दो। यहाँ पे क्या आपकी जो इनकम है उस पर इफेक्ट आ जाता है, उस पर आता है। नहीं मैं ये बता देता हूँ भाई लोग, परफेक्ट मेरा, आप जब भी किसी भी कैब में ट्रेवल कर रहे हो, ओला हो या उबर हो, उसके बाद आपको रेटिंग करने के लिए पूछता है, जब भी आपका ट्रिप एंड होता है तो पूछता है कि स्टार चाहिए, तो भाई फाइव मत दो, लेकिन आपको जैसी सर्विस मिली, जैसा भाई, जैसे इन भाई ने मेरे को बहुत अच्छी सर्विस दी, तो मैं इनको डेफिनेटली फाइव देने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना, वो इनकी इनकम को बहुत मैटर करता है, आप जो स्टार दोगे उससे इनका पैसा डिसाइड होगा कि कितना कमाएंगे, तो आप बिल्कुल उसका ध्यान रखो, और भाई लोगों के पेट पे लात मत मारो। नहीं नहीं, 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 नहीं सही बात है ना, जो भी है वो दो, हम बोले गलत किया हूँ गलत, सही बात है, बराबर है ना, बराबर है, लेकिन आप सही से दो, ईमानदारी से दो, ईमानदारी से, ईमानदारी से, जो भी गलत किया हो गलत बताओ, लेकिन जो भी है सच्चाई बताओ बस। चलिए भाई जी, मैं तो पहुंच गया ऑफिस, तो मैं अभी वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के चलिए बाय बाय, बाय बाय, जल्दी से बाय बाय, चलिए बाय।